ह्यूमंस की एक टेंडेंसी रहती है इवॉल्व करने की, नेचुरल है। जैसे कि आपके पास कल जो रहा होगा, जो भी आपके पास चीज रही होगी, भले वो मटेरियलिस्टिक लेवल पर रही हो, भले वो टाइम के लेवल पर रही हो, भले वो किसी और लेवल पर रही हो, लेकिन आप चाहते होंगे कि कल उससे बेहतर हो। जो ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन साइकी काम करती है वो भी इसी लिहाज से काम करती है, दैट यू हैव टू इवॉल्व। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस डेवलप होंगे। मान लीजिए कल आपके पास जितना पैसा था, आज भी आपके पास उतना ही पैसा है, एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर वेरी गुड एट योर जॉब एंड थिंग्स लाइक दैट एग्जिस्ट, तो आपको फ्रस्ट्रेशन सेट इन करने लगेगा कि मैं क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रहा हूं। जब हम पूरे ह्यूमन रेस की बात करते हैं, उसके इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम लोग एक बेसिक लेवल से इवॉल्व लेवल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बेसिक लेवल ये रहता है कि हम लोग हंटर गैदरर वाले टाइप से पहले आते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो वहां पर हमें चीजों की बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे जरूरत पड़ती है। वहां पर हम लोग सही या गलत तरीके के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, वहां पर सर्वाइवल की चीजें सीखते हैं। जब हमें एक बार सर्वाइवल की चीजें समझ में आने लगती है तो हम लोग हायर आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंटेलेक्ट यानी कि दिमाग की बात होने लगती है। जब इंटेलेक्ट वाले लेवल को हम लोग सालों तक देख लेते हैं और समझ लेते हैं, जैसे पुराने फिलोसफर्स भी इंटेलेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, इट वॉज ओनली 1990s व्हेन इमोशंस के ऊपर फोकस किया जाने लगा, तो वो हमारे इवोल्यूशन का एक फेज बता रहा है। अब वो इमोशंस के ऊपर जब हमने देखना चालू किया कि भाई इमोशनल इमोशंस की कितनी जरूरत है, इमोशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो भी हमारे ह्यूमन रेस के इवोल्यूशन का एक फेज बन गया है। इसी तरीके से और इवॉल्व फेज क्या हो जाएगा, जब हमें इंटेलेक्ट के बारे में भी पता है, भावनाओं के बारे में पता है, लेकिन अब हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि ये चीज सही है या गलत है, और सही या गलत का वो सवाल का जवाब एथिक्स या मॉरल वैल्यूज ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं और क्यों इसको फंडामेंटल क्वेश्चन बोला जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक सवाल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। केस इन पॉइंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, कैपिटल पनिशमेंट हो, अबॉर्शन हो, यूथनेशिया हो, इस पे पूरे अबॉर्शन बोल चुका हूं, इस पे पूरे पूरे नेशंस अपना व्यू और ओपिनियन अलग अलग रखते हैं। यहां पर सवाल किस चीज का है, क्यों नहीं मानते हैं सही है या गलत। सुप्रीम कोर्ट क्यों आगे बढ़कर बोलता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को हमें राइट्स देना चाहिए और वो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी गलत है, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल बताता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा सवाल आता है, क्यों वो वजह इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि उसके पीछे सवाल जो खड़ा रहता है वो सवाल यही है कि क्या होमोसेक्सुअलिटी सही है या गलत है, और सही या गलत का जवाब एक ही डिसिप्लिन देता है जो कि एथिक्स है। मॉरल वैल्यूज उसी का सब्जेक्ट मैटर है।